वेरी वेरी गुड इवनिंग। कुछ बच्चों का इंटरनल है और कुछ बच्चों का कहना है सर कॉस शीट का नया वाला पैटर्न बता दो, तो आज मैं इस पे मच टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहा। मैं कॉस शीट पे लेके आऊँगा और कॉस शीट का जो नए पैटर्न में क्या चेंजेस है, बहुत थोड़ा सा चेंजेस है, वो बस मैं बता दूंगा, जिनका इंटरनल है वो इंटरनल में कर पाएंगे। ठीक है, तो सर इसका एक सवाल, आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, सो दैट मैं वैसे हालांकि चैप्टर पूछो तो जिसने लीफो फीफो कर रखा है प्रीवियसली उसका तो डन है, बाकी मैं कल भी एक क्लास डालूंगा इसमें रिकॉर्डेड, कल भी रिकॉर्डेड डालेंगे क्लास। एक क्वेश्चन मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, दैट इज क्वेश्चन ये था, तो हम फटाफट चलिए आपके साथ मिलके इस सवाल को ख़त्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम टाइम बातों में ना लगा के इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है देख लीजिए, हालांकि पहले ही करवा देता मैं लेकिन मुझे लगा दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, हाउ मेनी चैप्टर डन टिल नाउ। देखिए एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर ही है ये, एक दो चैप्टर हो गए प्रीवियस रिकॉर्डेड आपको मिल चुकी होगी, प्रीवियस इन द सेंस अभी लेटेस्ट, और जितने बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको आज वाली क्लास समझ में नहीं आएगी, उनको स्टार्टिंग से पहले मटेरियल देखना पड़ेगा या कॉस्ट शीट देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। और अभी जो बच्चे कंटिन्यू थे इसमें जब से बैच ये वाला स्टार्ट किया था हमने ये चैप्टर, वहां से सभी को समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक सवाल, सवाल में क्या कहता है, आपको यहाँ पे एक 125 बॉक्सेस गिवन है 3 मंथ सप्लाई के लिए, तो कहता है 3 मंथ सप्लाई, अगर हम सप्लाई की बात करें तो साल में 4 बार 3 मंथ होते हैं, तो 4 × 125 यानी साल का एनुअल डिमांड 1000 है, 1000 है। कहता है कॉस्ट जो है बॉक्स का वो 125 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ओ वो है हमारा 250, कैरिंग कॉस्ट कहता है 20, तो सी इसका 20% होगा, तो 125 × 20% दैट इज आपका 25 दैट इज 25 हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड अ सर्टेन टोटल कॉस्ट एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, अगर आप एक बार में 125 ही लेके आओ तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, हाउ मच मनी वुड हैव सेव अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ काम चलाएं तो क्या होगा। तो पहले एग्जिस्टिंग में आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से टोटल कॉस्ट, तो सर टोटल कॉस्ट एग्जिस्टिंग के हिसाब से हमारा ईओक्यू जो है ना वो है 4, क्योंकि 4 बार चक्कर लगेंगे ना, 125 हमारा एक तरीके से, तो 1000 यूनिट इंटू में एक यूनिट कितने का है 125 का, ये तो हो गया कॉस्ट, प्लस आपका क्या होता है, प्लस होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी एनुअल डिमांड, 1000 / 125 × 250 प्लस कैरिंग कॉस्ट 125 / 2 और इंटू में क्या आएगा 25। सर सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया 1,00,000, बासठ ही रहने दो, ठीक है। अगला पॉइंट ईओक्यू के हिसाब से, न्यू के हिसाब से है ना, तो ईओक्यू क्या होगा सर, 2AO/C, 2 × में ए क्या है 1000, ओ कितना है हमारा 250, सी कितना है हमारा 25, का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया 100, कितने आ गए ये 1000 × 2 250 ही है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, अरे अंडर रूट एक मिनट,
1000 इंटू 2 250 डिवाइडेड बाय 25, हाँ 144, 500। अच्छा, गड़बड़ कर दी, यहाँ से भी गड़बड़ हो गया। फिर 180 इंटू 5 500 होगा, शुरू से ही गड़बड़ हो गई। चलिए फटाफट करेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा करेक्शन नहीं है। ये 62500 है ना, छियासठ पांच सौ, ठीक है। अब 100 के हिसाब से ले लो, नहीं मैंने चेंज कर दिया वो, अब 100 के हिसाब से कॉस्ट ले लो। तो सर 1000, फिर 1000 कर रहा हूँ, 500 इंटू में तो 125 ही रहेगा, प्लस सर ये भी गड़बड़ हो गया ना फिर तो। एक हजार आएगा ये, क्यों? वो तो ठीक ही है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। सर यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल डिमांड 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 250, प्लस कैरिंग कॉस्ट क्या होने वाला है? 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 25। तो सर ये कितना आ जाएगा? 62500, ये कितना आ जाएंगे? 1250 प्लस ये भी 1250, तो आ गया हमारा प्लस 1250 और प्लस 1250 65000। तो सर ये वाला एक्सेप्टेड होगा, यहाँ पे कम कॉस्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। इस क्वेश्चन में यही बताना था हमें, क्लियर? एक क्वेश्चन बीच में रह गया था, सो दैट मैंने बता दिया आपको। आज का क्वेश्चन है, हालांकि मैं क्या कर रहा हूं इसमें मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें बस मुझे इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो लेवल तो हो ही गया, इसमें वही आ रहा है बार बार, मिनिमम मैक्सिमम यूजेस रिकॉर्डिंग। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा, ये सारे क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं होमवर्क में, ठीक है। मैं कॉस्ट शीट का न्यू पैटर्न बना देता हूँ, जिनका रेगुलर का एग्जाम है उसमें कॉस्ट शीट जो हमारा कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब थोड़ा सा चेंजेस सर चेंजेस क्या बोल उनका मात्र का चेंज, वैसे बच्चे वैसे परेशान हो रहे हैं, बहुत थोड़ा सा चेंजेस है, नहीं अभी नहीं आया। तो ये वाले आपका होमवर्क में रहेगा, एक बहुत थोड़ा सा चेंजेस कॉस्ट शीट में जो हुआ है उस चेंजेस को मैं फटाफट से बता देता हूँ क्या चेंजेस है, और फिर उसी पैटर्न पे करके आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ मान के चलिए एग्जाम में भी इसी स्टैंडर्ड से आ सकता है आपका, तो चलिए लैग अभी ठीक हो जाएगा। चलिए पहले ना एक बार पुराना कॉस्ट शीट याद दिला दें आपको, और सिर्फ हेडिंग एडिंग, इससे नए वाले और पुराने वाले में मैं कंपैरिजन कर दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी।
चलिए मैं पहले ओल्ड वाला बता देता हूँ और फिर न्यू वाला भी बता दूंगा क्या चेंजेस आए। आप बोलोगे माइनर तो चेंजेस हैं। सबसे पहले मटेरियल था प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक और ये किसका रॉ मटेरियल का और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ये करते थे ना हम, याद है या भूल गए। और इन सभी को करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता था और इसको नाम देते थे प्राइम कॉस्ट। सर नए वाले में क्या चेंज है? नए वाले में सेम, कोई फर्क नहीं। जहां फर्क आएगा मैं बता दूंगा। नया ना कॉस्टिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 4 जिसे CAS के नाम से दे देते हैं, कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो एग्जामिनर बोलेगा कि कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से बनाओ, तो जो अब नए वाला बताऊंगा वैसे बनाना, और बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा तो आपकी मर्जी है। फिर इसके बाद क्या होता था हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ओवरहेड कह लो, यही था ना। और यहां पे क्या आता था फिर हमारा ग्रॉस फैक्ट्री। यहीं पे चेंजेस आया नए वाले मेथड में। क्या चेंजेस आया? इन्होंने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड और यहीं पे प्लस कर दिया WIP ओपनिंग और माइनस कर दिया WIP क्लोजिंग और साथ के साथ एडमिन एक्सपेंस भी यहीं पे कर दिया उन्होंने। सर कौन सा एडमिन एक्सपेंस? जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, और नॉर्मल वही जो कि करते थे एडमिन। यहां पे क्या था? ग्रॉस फैक्ट्री के बाद प्लस करते थे WIP और माइनस करते थे WIP। इसको करने के बाद हमारा क्या आता था सर? आता था हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, है ना, नेट फैक्ट्री। लेकिन यहां पे नेट फैक्ट्री और ग्रॉस फैक्ट्री वाला चक्कर खत्म। उसके बाद क्या करते थे? एडमिन करने के बाद क्या आता था सर हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यही सारी बातें जो हम अलग अलग हेडिंग में करते थे हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो अब जो हमारा अगला हेडिंग आएगा बस यही बदलाव है और कुछ नहीं बदलाव है नए और पुराने में, यानी बीच के दो हेडिंग हटा दिए। काफी बच्चे परेशान हो रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको, ठीक है। और कुछ नए खर्चे नए नए नाम के इनकॉर्पोरेट हो गए, जैसे कॉस्ट कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस, 3-4 खर्चे नए नए हैं जो कि लॉ में लिखा हुआ है। उस खर्चों का मैं नाम अभी लिख दूंगा, बस वो ध्यान रखना है कि भैया वो यहीं से रिलेटेड है बस। इसके बाद यहां तक अगर आप देखो ना, कंपेरिजन करो तो यही चेंजेस है। इसके बाद अगर मैं जाऊं, शायद किसी बच्चे ने मेरे को ना फॉर्मेट भी भेजा था, मैंने फॉर्मेट देखा भी नहीं है क्या है, एक बार दोबारा भेज देना क्या है नई कॉस्ट शीट में, उसको भी एनालिसिस कर लेंगे। बिल्कुल बता देंगे मटेरियल वाले, अभी कॉस्ट शीट वाले बच्चों का ले लेते हैं। इसके बाद क्या आता था यहां पे? प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस, सेम यहां प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस। मैं तो कहूंगा आसान हो गया ये, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा खिचपिच था, वो एक स्टेप हट गया हमारा, ठीक है ना। और यहां पे क्या आता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, सेम अब भी ये रहेगा, यहां पे भी यही आएगा इसको माइनस प्लस करने के बाद। मैं बहुत रफली समझा रहा हूं आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रफली समझा रहा हूं, देखिए। लेकिन बस जिस बच्चे ने कॉस्ट शीट करा होगा ना सीरियसली, उसको लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ा, आज वाली वीडियो देख के सारे क्वेश्चन कर मारेगा इसी मेथड से, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या आता था हमारा? सेलिंग। और अब यहां भी सेलिंग, कोई फर्क नहीं सर, सेलिंग बस यहां पे अगर सेल्स एडमिन एक्सपेंस अगर सेल्स से रिलेटेड है तो पहले भी नीचे आता था, वैसे कोई फर्क नहीं है, सेलिंग यहां पे भी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यहां भी क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस कुछ एक खर्चे जो नए इंट्रोड्यूस हुए उसको लिख देते हैं,
आपकी किताब में कुछ एक नए खर्चे दे रखे हैं वो लिख देते हैं। क्या नए खर्चे हैं भाई साहब? हाँ, उसके अंदर जो नए वाला 10 ईयर इसलिए होल्ड पे गया क्योंकि सारे आंसर चेंज होंगे ना, अब नए मेथड से करके डाल रहा हूं उसमें, पुराने वाला हटा ही रहा हूं मैं। झंझट खत्म। क्या क्या कॉस्ट जो है आपको ध्यान रखना है जो यहां आएगा? एक है आपका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, इसके बाद एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बाद बस, और एक आध कॉस्ट और हो सकता है एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, वो तो पहले भी था। ये तीन खर्चे नए देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। जो बच्चे हैं जिनके पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था बीकॉम ऑनर्स में, उसमें नए कॉस्ट के हिसाब से ही आया था, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जिस बच्चे के पास नहीं है क्वेश्चन पेपर है तो सॉल्यूशन मैं कल अपलोड करवा दूंगा, जिससे आप अपने आंसर को नए वाले पेपर के सॉल्यूशन से मैच कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, रिलेटिंग देखो यहां पे प्रोडक्शन से यहां पे है और पैकेज से रिलेटेड यहां डाल दिया उन्होंने। कहता है कि एडमिन एक्सपेंस जो यहां लिखा है ना, एडमिन एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यहां पहले भी प्रोडक्शन से रिलेटेड ही आता था। अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल सैलरी, सैलरी एक एडमिन एक्सपेंस, अगर मैं सैलरी बोलूं सेल्समैन का तब भी यही आता था, और अब अगर बोलता था सिर्फ सैलरी तब आप एडमिन में डालते थे। तो बात वही है, बस बुक के अंदर क्या करा उसको डिफाइन कर दिया कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन और रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,